हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए साथ मिलकर आज हम चिकन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, हमने प्याज लिया है, लहसुन लिया, अदरक लिया और उसे काट और छील लिया है। फिर हमने वॉश किया हुआ चिकन लिया है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। उसको मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब लेंगे हम एक कुकर, उसको गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसके बाद अपने कटे हुए प्याज, लाल मिर्च, कुछ खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, बे लीव्स लेंगे। अब हम सबसे पहले उसको जीरे को डालेंगे, उसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे अपने खड़े मसाले, उनको भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने देंगे। फिर कटे हुए थोड़े से लहसुन डालेंगे, उनको भी ब्राउन होने के लिए रख देंगे। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च, अपने प्याज, सब उसमें डाल देंगे और डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम उसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम कुकर के ढक्कन को हटाएंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। उनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढककर थोड़ी देर के लिए प्याज को पकने देंगे। 2-4 मिनट प्याज पकाने के बाद आपको दिख रहा होगा हमारा प्याज जो है वो थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो रहा है। अब हम उसमें मैरिनेट किए हुए अपने चिकन के पीसेस डालेंगे। उसके बाद हम उन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से उसको 4-5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसे फिर से ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसे ही हम हर दो दो चार चार मिनट पर उसे अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद हम अपने कुछ मसाले लेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, पर हमने लिया है। और लहसुन और जीरा पाउडर का पेस्ट ले लेंगे और इन सभी को हम चिकन के अंदर डालेंगे और डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और उसको ढककर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हमने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर आने के लिए। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने डाला है चिकन मसाला। चिकन मसाला डालकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर से 2-4 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारे जो चिकन है उसमें से तेल बाहर आने लगा है। इसका मतलब लगभग हमारा चिकन पक गया है। अब उसमें हम अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आप चाहें ऐसे ही फ्राई रख सकते हैं, आपका चिकन बिल्कुल रेडी है। बट हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है
और डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर करके उसे ढककर मुश्किल से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमारा चिकन अब लगभग पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारा चिकन बिल्कुल पूरी तरीके से बन के तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा और तेज़ करके थोड़ा और खौला लेंगे और खौलाने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा टेस्टी चिकन तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।